ऑफलाइन का, सेकंड और ऑफलाइन वालों का 12। अब हमने इनके पेट में क्या देखा, इनके पेट में क्या देखा, अभी हमने कुछ नहीं करना, हल्का सा ऐसे टच करना है, देखिए ये ठीक है। अब आपने देखा अगर मैंने ऐसे टच किया तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे हल्का सा अंदर जाऊंगा सुई क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अलग से दीवार आ जाएगी। ये देखिए, ये जैसे मैं टक टक कर रहा हूँ ना, अभी देखो ये कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन इससे अंदर हल्का सा अंदर जाते ही ये अलग दीवार आ गई, ठोस एरिया एकदम भयंकर ठोस। अब इसके इधर साइड में देखोगे तो यहाँ भी ठोस है एकदम, यहाँ भी ठोस है ठीक है। ये देखो ये तो और ज्यादा है, अच्छा ये तो और भयंकर ज्यादा है। यहाँ देखा तो स्टमक में भी सूजन है, यहाँ देखा तो यहाँ भी सूजन है, यहाँ देखा तो यहाँ भी, और यहाँ देखा तो ये सबसे ज्यादा सूजन है इनको, ए इस वाली एरिया में, और नाभि है ये, नाभि के जस्ट नीचे ए ये वाली। हाँ अब देखो मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। टच का मतलब क्या होता है कि नाभि है ये, नाभि के नीचे ये जो पार्ट है, मैंने यहाँ पर हल्का सा ही देखो ये जो टच किया तो ऊपर स्किन है, और स्किन से हल्का सा नीचे टच किया तो देखो पत्थर पे, आप मेरा हाथ जो है पत्थर पर लगा। और ऐसी महिलाएं या लड़कियां हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आती हैं, ठीक है। इन महिलाओं का सबसे पहला कारण क्या है, इनका वजन लॉस हो जाएगा, ठीक है, इनको गैस बनेगी, इनकी सांस की तकलीफ रहेगी, ज्यादा नहीं चल पाएंगी, इनको डेट कभी भी पीरियड्स कभी भी खुल के नहीं होगा, आगे इनको क्या होगा, थकान कितनी रहती है, कमजोरी कितनी है, थकान कमजोरी में क्या अंतर है, ठीक है। बात हम एक ही जैसा मान सकते हैं, भयंकर कमजोरी रहती है, आंखें हमेशा गड्ढे में रहेंगी, और जिसको पेट में महिलाओं को नले पड़ जाते हैं उनको क्या रहता है, उनको ल्यूकोरिया परमानेंट हो सकता है, उनको यूट्रस में या ओवरी में या यूरिन में हमेशा इंफेक्शन रह सकता है, और आगे उनको क्या रहेगा, उनको पोटी कभी भी खुल के नहीं आएगी, कभी भी खुल के नहीं आएगी। पोटी कैसे आती है आपको, ठीक है, पोटी टूट टूट गाने का क्या मतलब हो गया, यूडीएफ आ रहा है, हर हाल में यूडीएफ आ रहा है, चाहे जो मर्जी हो जाए यूडीएफ आ ही रहा है, ठीक है। यूडीएफ मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। देखो यूडीएफ होता है कि एक तो हमने भिंडी खा ली, तो कई लोग न्यूरोथेरेपी वाले बोलते हैं कि आपने भिंडी खा ली और भिंडी का बीज आ गया, अरे भैया भिंडी का बीज यूडीएफ नहीं होता, टमाटर का बीज यूडीएफ बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान देना। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने जो टमाटर खा लिया और टमाटर का बीज आपकी पोटी में आ गया तो यूडीएफ कैसे हो जाएगा, टमाटर का बीज कभी किसी के पेट से पचता हुआ देखा है, कोई दुनिया में ऐसा कोई आदमी औरत बच्चा कोई भी हो उसने टमाटर खाया, टमाटर का बीज उसके अंदर पेट में जाके वो मशीन चल के पिस जाए और वो निकल जाए, तो कभी भी यूडीएफ नहीं होता। यूडीएफ होता है कि पोटी हमेशा न पतली आ रही है न टाइट आ रही है, पोटी दद्दरी आ रही है, और पोटी कभी भी बंद के नहीं आ रही के लिए जैसी, वो होता है यूडीएफ। सीधी सी बात है, पोटी फटी हुई आ रही है वो है यूडीएफ हमारा। अनडाइजेस्टेड फूड दद्दरी जैसे दरिया टाइप आती है वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड। अब देखो अब हम जो और क्या चीज है इसमें, और ये जो होती है इसमें गैस का होता है, कई बार एसिड चढ़ जाता है ठीक है व्यक्ति को, अब इसमें क्या है कि उसको प्रॉपर नींद नहीं आती, उसके शरीर में हर वक्त एक अनकंफर्टेबल फील रहता है। अब हम इनको टॉफिंग देंगे इस चीज के लिए, सबसे बेस्ट चीज। अब देखो मैं जो टॉफिंग दे रहा हूँ वो आपने सीख ली नहीं, तो पाउडर मैं कैसे दे रहा हूं वो देखो, अभी आप पाउडर लगाया हमने ठीक है, ये तो इतना इसमें तो आप इतने परफेक्ट हो जाओ, ये तो एक नंबर की बात है, आप कुछ नहीं करना, ये देखो सिर्फ इसको पकड़ना है, ये देखो मेरा अपना टॉप फिंगर है, आप लोगों ने क्या सीखा वो अभी अपने, हमने सिर्फ ऐसे करके टच करना है, ये देख रहे हो खाली टच करना है इस पॉइंट पर ही, बस बहुत तेज पावर नहीं लगानी, और हल्का अगर इनको तेज देंगे इस तरीके से तो ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये हल्का से तेज है ढीला छोड़ो, और अगर इससे भी हल्का सा तेज दे दिया मैंने तो फिर इनको और तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो इनको अभी माइल्डली देंगे, बिल्कुल माइल्डली देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ठीक है। पहला आप कहाँ देंगे, हम कुकु कहाँ देंगे, इधर पॉइंट पे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, आप कहाँ देंगे,
बाहरी साइज में, ठीक है, एक्सटर्नल। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सत्तर अठारह उन्नीस बीस, कितना खाली पेट रही हो आप? हाँ जी। खाली खाना खाती थी? फरवरी से छोड़ा हुआ है। खाली पेट कितना रही हो? खाली पेट पता नहीं, खाली पेट फ्रूट और सब्जियां भी रही हुई हो खाली। ये हमेशा इनको नींद अच्छी नहीं आई है और ये खाली पेट ज्यादा रही है, इनको पेट की प्रॉब्लम तब से चालू हुई है। जो इंसान ज्यादा खाली पेट रहता है उसको भी पेट की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और क्यों हुई आपको पेट की प्रॉब्लम, इसका क्या कारण था? बहुत साल पहले गंदा खाना खाते थे हम। गंदा खाना मतलब? मैदे वाला। मैदे ज्यादा खाते थे। हाँ तो मैदा आपको। जब नॉलेज नहीं। वजन कितना लॉस हुआ आपका? सर 12, 10 से 12 केजी। सांस कितनी फूलती है? सांस बात करते रहो ना मुंह से, हाथ पर चलाते रहो मुंह से बात करते रहो। कभी पुराने जमाने में आपने देखे थे भूत चढ़ते हुए? सेम ऐसा ही कर रही है ना। धीरा छोड़ो मेरी बहन। हाँ मुझे बताओ क्या? सांस कितनी फूलती है? मुंह से बात करती रहो ना। अच्छा वो बताओ, बोलो आप बोलो, सांस कितनी चढ़ती है? जैसे सीढ़ियां चढ़ती हो चलती हो तो? सर स्टेयर्स में तो नहीं होती, लेकिन जब मैं ज्यादा चलती हूँ ना, लेकिन देखा जब मैं ज्यादा चलती तो होता है, फूल जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी काम में मन लगता है, एकाग्रता है? नहीं वो नहीं है। ध्यान रखना पेट रोगी एकाग्रता कभी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, पेट रोगी का वजन लॉस होगा तो एक और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। कितनी आपकी मेमोरी लॉस? सारी होगी। ध्यान रखना ये सबसे बड़ा सिम्टम्स है, पेट रोग का वजन लॉस होना, उसकी एकाग्रता भंग हो जाना दूसरा, और तीसरा उसकी मेमोरी लॉस हो जाना। मेमोरी कभी भी उसकी ठीक नहीं रहेगी। पेट रोग, रोगिनी हो चाहे रोगी हो, दोनों में से कोई हो तो मैडम आप क्या हो? रोगी नहीं। डिप्रेशन है? सीवियर डिप्रेशन होता है, निश्चित है। डिप्रेशन कैसे कहते हैं? नेगेटिव थॉट्स, ये तो डिप्रेशन है। स्ट्रेस हो गया डिप्रेशन तो निश्चित, पूरा पेटीएम का दिमाग पे लग जाएगा। अब ये देखो जो न्यूरोथेरेपी सीख रही है, तो न्यूरोथेरेपी सीखने वाला व्यक्ति भी डिप्रेशन में तो कितनी गलत बात है। हर्ष देव कितना डिप्रेशन में? बिल्कुल भी नहीं है। पक्का पेट रोगी तो है ना? कुकुतु गोविंदा है? गोविंदा पीछे गोविंदा पेट रोगी है? अब अच्छा अब नहीं है, पेट रोग सही करता है। ठीक है कोई बात नहीं। तो नहीं आ रहा? हाँ जी पसीना आया भी नहीं है? अभी कहाँ आया है? इतना मोटा तो अब जस साहब का कोट पहन रखा है जी। आपके शरीर में थोड़ा बहुत बचा है माल पानी? नहीं। ताकत मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। किसी व्यक्ति ने अगर 40 करोड़ रुपए में बहुत दुनिया की सबसे बेहतरीन डिग्री खरीद रखी होगी ना, मतलब उसके पास भी ऐसे पेट रोग मतलब व्यक्ति नहीं आ सकती जैसा हम देख लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक पेट रोगी आज तक हमने देखे, सबसे ज्यादा खतरनाक पेट रोगी। और ऐसे ऐसे पेट रोगी देखेंगे जो पेट में ऐसे पागल हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं वो टट्टी कर रहे हैं या पेशाब कर रहे हैं, वो रोटी खा रहे हैं कहीं पड़े, वो क्या कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। भयंकर पेट रोगी, भयंकर, दुनिया के सबसे खतरनाक। एक तो पेट रोगी ऐसा होता है जो सुबह से शाम तक पेशाब कर रहा है तो वीडियो बना रहा है, रोटी कर रहा है तो वीडियो बना रहा है, वो कुछ भी कर रहा है पूरे दिन उसकी वीडियो बना रहा है, फिर देखता था मैं क्या था क्या कर रहा हूँ छोड़ो। बस 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 हंस रही हो रो रही हो क्यों? Thank you.
जबरदस्ती आपको दर्द है उंगलियों में, और जबरदस्त वाला दर्द है, थोड़ा बहुत नहीं है, ये तो सहन कर लियो आप इतने लोगों के बीच में, है ना। नली तोड़ने वाला किस किस को आता है, पेट सॉफ्ट करने का क्या क्या करेंगे हम, आज क्या क्या करेंगे पेट सॉफ्ट करने के लिए, एब्डोमिन सेटिंग करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे और बोलो नली सेट करेंगे और पेट किस कारण से टाइट हुआ उस कारण को ठीक करेंगे और बोलो नीला छोड़ो बहना रजनी जी पेट में लेती है, कुकु नली की सेटिंग करो फटाफट। कैसे करेंगे आप, यहाँ गलत बैठे हो आप, सही बैठो, प्रॉपर बैठो, अपना सीधी रेट मतलब सीधी रेट हो। अब देखो ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हर सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सर ये बाहर होगा, कौन सा बाहर होगा सर, ये घुटना बाहर होगा, घुटना बाहर होगा या टखना बाहर होगा, टखना बाहर होगा। करो भाई कुकु, करो करो करो, सही करो, गलत क्यों कर रहे हो, बोलो सही। अरे आप करो ना सर, वो बाहर होगा पूरा, ये भाई पास में आपके पैर हैं, जैसे आप प्रेशर तो प्रेशर हटो करके दिखाओ और सही है क्या, ये भी हट हट, अभी सही है क्या गलत है, ये भी सही नहीं है, मैं करता हूँ करो तो ये ये जो टखना है बाहर निकालना है कि नहीं निकालना, बाहर निकाला सर। हट, देखो क्या करना है, हमने आराम से पूरा रिलैक्स कर लेना है, ये जो टखना है ये इसके बीच में, बोलो इसके बीच में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ये हल्का सा बाहर जाएगा, ये इसी जॉइंट पर रहेगा, ये हल्का सा मुड़ेगा और इसको मोड़ देना है बस, कितनी सेकंड, 6 सेकंड, कितनी सेकंड, 6 सेकंड। ये जो टखना है ये इस जॉइंट से बाहर रहेगा, ध्यान से देखो ठीक है, आप छोड़ दो मेरी है ना, आपको तो सारा फील ही हो रहा है ना, ठीक है, ये देख रहे हो टखना, इसके ऐसे अंदर नहीं करना, ये ऐसे करके बाहर करना है, देखो गया बाहर, इसको ऐसे पकड़ के आराम से जॉइंट में लगा देना और इसको अब इधर, ये ठीक है इनका, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, इसमें इनको ज्यादा दर्द है, तो इनको पेट के राइट साइड में, हाँ जी राइट साइड दर्द ज्यादा, लेफ्ट साइड में ठीक है, पेट के इनको राइट साइड में ज्यादा दर्द रहेगा हमेशा, इसी से पता लग जाता है इनके पेट के राइट साइड में ज्यादा कड़कपन है और लेफ्ट साइड में कम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया उनका, सीधे हो जाओ, जिनको पोटी देना है उसको सीधे हो, साथ में क्या देना है, 3 ONS विद टॉफिंगर, सीधा करो, देखो इसको ऐसे पकड़ना है, ONS का ये दूसरा ग्रुप है, 3 ONS विद टॉफिंगर, ऐसे पकड़ना है, ऐसे उठा देना है, 1 2 3 बस, ONS नहीं देनी, ये ONS विद टॉफिंगर है, ठीक है, चलो जी बस, ये आगे सारे इधर इधर आती है, देखिए ये जो जितने लोग हैं ये न्यूरोथेरेपी सीखने के लिए आए हुए हैं ये सारे, और ये देश के अलग अलग भाग से, बिंदु सर आप भी आइए, ये देखिए ये देश के अलग अलग भाग से हैं, कोई कहां से, पुणे से है, कोई नागपुर से है, कोई पटना से है, कोई जयपुर से है, कोई देहरादून से है, और ये यहां से जाने के बाद में सब लोग न्यूरोथेरेपी का सेंटर खोलेंगे, अच्छा सेंटर खोलेंगे, और ये वो लोग हैं कि इनकी चाहत थी कभी MBBS बनने की, लेकिन किसी कारणवश MBBS नहीं बने, लेकिन ये चिकित्सक जरूर बनेंगे, और ऐसे चिकित्सक के इसमें कोई आपको मेडिसिन नहीं देनी, कोई सर्जरी नहीं करनी, कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करना, आपने कोई बाहरी तत्व यूज नहीं करना, और ये जो थेरेपी है ना हमारी न्यूरोथेरेपी, आप जानते हैं हम बार बार आपको कहते हैं कि देश के जो जितने हमारे स्टेट हैं, प्रदेश हैं, उन प्रदेश के ज्यादातर शहरों में हमारे द्वारा सीखे हुए न्यूरोथेरेपी के विद्यार्थियों ने अपना सेंटर खोला हुआ है, और वो एक अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। मैं आपको फिर बोलता हूं, कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज छोड़ के न्यूरोथेरेपी सीखने आया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो कमाने के लिए आया है, साथ में सेवा करने के लिए आया है, तो दोनों पर्पज को हमने हल करना है, सेवा भी करनी है और एक अच्छी आजीविका भी कमानी है, जिससे हम अच्छा घर ले सकें, अच्छी कार ले सकें,
बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें और अपने जो रोजमर्रा की खाने की जो वस्तुएं हैं उनको हम अच्छे से लेकर खा सकते हैं। निश्चित तौर पर कोई कहीं अगर छोड़ के जाता है तो ये उसके अरमान होते हैं, उसको आपने पूरा करना है, साथ में सेवा भी करनी है, अच्छी आजीविका भी कमानी है और आपको आकर न्यूरोथेरेपी जरूर सीखनी है। आपके घर के जो बीमारियों के खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, आप एलोपैथी के साइड इफेक्ट से बच जाओगे कि किस तरह आपको एलोपैथी के साइड इफेक्ट जो होते हैं, जो छिड़ छिड़ करके व्यक्ति मरता है उससे आप बच जाओगे। इसलिए कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी सीखिए और लाखों रोगियों को ठीक कीजिए। नमस्कार।